सो हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग भी अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो गाइस, आज मतलब मौसम को देखते हुए आज हम लोग को मटन खाने का मन किया। तो गाइस, आप लोग चैनल पे कंटिन्यू रहिए, हम लोग अभी जा रहे हैं मटन लाने के लिए। तो गाइस, अभी हम लोग सराय ढाला में हैं और हम लोग जा रहे हैं मटन खरीदने के लिए, क्योंकि हम लोग को हीरापुर में मिला नहीं मटन। पहले हम लोग स्टील गेट में जाके देखते हैं कि वहाँ बराबर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। इधर बाबू भाई सुरेश जी देख सकते हैं, ठीक है गाइस। जब तक आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहे मैं दिखाता हूँ। तो गाइस, हल्का हल्का पानी भी मतलब थोड़ा बाल भी भींग गया है, देख सकते हैं। थोड़ा बारिश, इस बारिश का मौसम को देखते हुए हम लोग मटन खाने का मतलब निश्चय किए हैं, तो वही खरीदने के लिए हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली गाइस, हम लोग इसलिए के पहुंच गए हैं और थोड़ा रोकड़ा निकाल रहे बाबू भाई को, ए टी एम को थोड़ा उसको पैसा निकालना, क्योंकि उसके पास कैश है नहीं, इसलिए वो थोड़ा ए टी एम गए हुए हैं। जब तक और तब तक आप लोग फिर दिखाते हैं कि हम लोग खरीदते हैं मटन। इसके बाद दिखाते हैं कि अच्छा वाला मिलता है कि नहीं, अच्छा क्वालिटी वाला। सुरेश जी को आप बराबर देख सकते हैं, ये स्टेशन प्रो यही चला रहे हैं और ये भींग गए हैं, क्योंकि आज का राइडर यही है और ये बहुत अच्छे चला लेते हैं। और ये स्पेशल गेट वाले सड़कों में ये अच्छी तरह से मतलब कटिंग वटिंग करके चला लेते हैं। तो देख सकते हैं, अगर आपको भी अगर राइडर चाहिए तो सुरेश जी जैसे लोगों को ले जाइए और वो उसके पास बैठ करके एक बार आनंद ले सकते हैं आप भी, ठीक है ब्रो। आप लोग देख सकते हैं बाबू भाई एटीएम से अभी मतलब रोकड़ा निकाल लिए हैं और वो अभी रोड को क्रॉस करेंगे। और यहाँ के रोड बहुत ही बिजी रहते हैं, मतलब इतना बिजी रहते हैं कि इंसान को पार होना भी मुश्किल होता है। तो बाबू भाई को देख सकते हैं, वो धीरे धीरे पार हो रहे हैं, हाथ थोड़ा दिखा दिखा के पार हो रहे हैं। और ये रोकड़ा के यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो आप देख सकते हैं। फिर हम लोग बाइक में बैठते हैं, फिर चलते हैं मटन लेने के लिए, ठीक है। तब तक आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू रहे। कौन वाला लेने? कैसे कैसे दे रहे? 640। इधर वैसे ही है क्या? हाफ के जी चाहिए था। मटन बन रहे हैं ना, आधी 10 का दे दीजिएगा और धनिया 10 का। मटन ये देख सकते हैं, मटन हम लोग ले लिए हैं बराबर। तो गाइस, हम लोग आए थे कुला कुसुमा मोड़ आए थे और यहाँ पर जो है ना बाबू भाई को मतलब छोड़ने आए थे, क्योंकि और एक हम लोग का दोस्त है जो बाबू भाई मतलब दो मकान में जाएंगे वो लोग। तो हम दोनों आपस में जो करते हैं, ठीक है। तो लास्टली गाइज, हम लोग मतलब रूम आ गए हैं और देखिए, ये मटन लाए हैं और प्याज लाए हैं, धनिया पत्ता लाए हैं, बहुत सारा चीज लाए हैं। तो ठीक है गाइज, आप लोग ब्लॉग पे कर दिया। ये सुरेश जी इधर बोल रहे थक गए, ये लेट रहे हैं। तो गाइज, मटन बनने के बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि मतलब किस तरह बना, अच्छा बना कि नहीं बना, ठीक है गाइज। तब तक आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू रहे। देखते हैं यहाँ सुरेश जी मटन यहाँ अभी बांट रहे हैं, ये सुरेश जी बांट रहे हैं मटन। तो देख सकते हैं, फिर खा के देखेंगे कि कैसा ये टेस्टी बना है या नहीं बना है, ठीक है गाइस। तब तक आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू रहे, फिर आप लोग खा के आप लोग बताते हैं। सुरेश जी को देख रहे हैं, ये बराबर मटन खाए तो बोल रहे हैं बहुत अच्छा ही लग रहा है, मटन बढ़िया है। ये हमारे हवेली को लाइन में